पटना ईडी ऑफिस रे गत दुई घंटा धरी तेजस्वी को पचराउचरा चली आरजेडी नेता तथा बिहार पूर्वतन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पूर्वतन निर्देशालय प्रवर्तन निर्देशालय हाजिर होती एपटे पटना ईडी कार्यालय बाहर आरजेडी कर्मी हंगामा करते कार्यालय सम्मुखें शताधिक कर्मी एकाठी प्रतिवाद करते होहाल्ला भितर हाजर होते तेजस्वी चाकरी जमी दुर्नीति मामलें पचराउचरा कर तदनकारी संस्था यह पूर्व 22 डिसेंबर और 5 जनवरी में ईडी पचराउचरा तेजस्वी को डाकि किंतु से ईडी हाजर ही नथिले गतकाली मामलें ईडी हाजर होते आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना प्रवर्तन निर्देशालय कार्यालय में हाजर होगा माराथन जेरा कर चाकरी जमी दुर्नीति मामले लालू को गुड़ाए तोड़ाए प्रश्न करते तदनकारी संस्था 10 घंटा धरी लालू को प्राय 70 प्रश्न पचरा जाता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार गठन गोटे दिन पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को नोटिस कर देखिए ये तो चल ही रहा है पूरे देश में, सभी जो बीजेपी के नीतियों का विरोध कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उससे भी अब उनको डर सता रहा है कि वो भी काम नहीं आएंगे। तो चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को परेशान करो ये तो हद हो गई ना। बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, आदरणीय लालू प्रसाद जी, 9-9 घंटे तक पूछताछ, सब चीजों का जवाब दिया जाएगा। लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं भाजपाइयों से है। देखिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार में जो पिछले 17 वर्षों के बदला में 17 महीनों में जो बिहार में इन्होंने काम करके दिखाया है और पूरे देश भर में जी इनका पॉपुलरिटी और जो इनका प्रभाव हुआ है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। तो पूरे बिहार और देश के नौजवान, युवा, छात्र गुस्से में है और हमें लगता है कि बदले की भावना से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए जो भी देश भर में इनके खिलाफ विरोध करते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए सीबीआई, ईडी लगाने का काम करते हैं। जनता सब कुछ देखती है। 2024 नजदीक है, हमें लगता है कि 2024 में तमाम देश भर के जो विपक्षी एकता है एकजुट होकर भाजपा को भगाने का काम करेगी।